हेलो दोस्तों, पसंद करूँ आपका स्वागत है। अगर आप एक रेडियो फैन वीडियो को लाइक चैनल पर फैन है तो करिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 के दौरान हर्षल पटेल और रियान पराग के बीच हुई तीखी बहस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब उस पूरे विवाद को याद करते हुए पराग ने कहा कि उन्हें हर्षल पटेल के टीम मेट मोहम्मद सिराज ने उसकाया। पराग ने खुलासा किया कि उन्होंने हर्षल को बाउंड्री लगाने के बाद हाथ का इशारा किया क्योंकि तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2021 में उन्हें आउट करने के बाद ही प्रतिक्रिया दी थी। रूटर पर एक गेमिंग स्ट्रीम के दौरान कहा, पिछले साल हर्षल पटेल ने मुझे आउट किया था जब हम आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे। वापस चला जा रहा था, फिर उन्होंने हाथ का इशारा करते हुए मुझे जाने के लिए कहा। मैंने तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं होटल पहुंचा, रिप्ले में देखा, ये बात तब से मेरे दिमाग में है। पराग ने आगे कहा, जब मैंने उनके आखिरी ओवर में रन बनाए तो मैंने वही इशारा किया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी सिराज ने मुझे बुलाया और कहा, इधर आओ इधर आओ। उन्होंने कहा कि तुम बच्चे हो और बच्चे की तरह ही व्यवहार करो। मैंने उनसे कहा कि भैया, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। तब दोनों टीमों के खिलाड़ी आ गए और बात खत्म हो गई। बाद में हर्षल ने मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाया।